सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। सो गाइस, आज है डे 3 ऑफ इन दिस होटल। आज हमारा रायगंज में डे 3 है, यानी लास्ट दिन है। सो जल्दी मैं फ्रेश हो जाता हूँ, हमारा इंटर्नशिप है जो पिछले दिन का होमवर्क दिया गया था उसे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ नहाने, क्योंकि हमें 10 बजे क्लास भी ज्वाइन करना था, यानी हॉस्पिटल के इंटर्नशिप का क्लास था। उसके बाद कुछ ही देर में नहा धो के हमने तैयार हो गया अपने क्लास के लिए। उसके बाद हम अपने ड्रेस पहने, और क्योंकि इस वाले रूम पे हमारा लास्ट दिन था इसलिए सब कुछ पैक, सब कुछ याद करके पैक कर लिए ताकि कुछ ना छूटे। उसके बाद रूम पे हमें बिस्तर वगैरह सही करना भी था। पहली बार घर के बाहर रह रहा हूँ तो क्या एक्सपीरियंस होता है आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ और बहुत कुछ सीखने को भी मिला, घर के बाहर कैसे रहा जाता है और बहुत कुछ सिखाया जानी। उसके बाद इस वाले रूम को अलविदा कहने का वक्त आ गया था, एंड फाइनली वो वक्त आ गया जब हमने उस रूम को छोड़ा। लास्ट मिनट पे ये वाला क्लिप रिकॉर्ड किया। उसके बाद हमने गीतांजलि होटल को बाय बाय बोल के चला गया अपने कॉलेज की तरफ, यानी हॉस्पिटल की तरफ। क्लास के लिए ऑलरेडी लेट हो चुका था और ये लास्ट दिन भी था इसलिए हमें खाने का वक्त ही नहीं मिला। तो जल्दी चले अपने क्लास रूम की तरफ। उसके बाद वहाँ पे कुछ देर क्लास किए और जब मुझे मौका मिला, यानी मैम क्लास से बाहर गई, तब मैंने छुप के वीडियो रिकॉर्ड भी किए जो कि आप वीडियो में देख ही सकते हैं। फाइनली हम अपने 3 दिन का ट्रेनिंग खत्म किए और उसके बाद चल पड़े हम अपने घर की तरफ। तो गाइस, घर आते वक्त बस की विंडो से रास्ते का क्या व्यू था आप लोग खुद ही देखिए इस वीडियो में। तीन दिन बाद आए मालदा और यहाँ से बस पकड़ेंगे और जाएंगे अपना घर। सो गाइस, कुछ देर जर्नी करने के बाद फाइनली हम अपने प्यारे शहर आ चुके हैं।